जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय एक मुद्दा जिसने पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है, मुद्दा है राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ चल रहा है फिलहाल। पहले राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है, बाद में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म की जाती है। इस मामले को लेकर अब आक्रोश दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, जहां इस मामले में कई अभी तक अलग अलग बयान हर एक पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, विपक्ष कुछ कह रहा है, पक्ष कुछ कह रहा है, और ये मामला काफ़ी तूल पकड़ते जा रहा है। हॉट टॉपिक इस समय देश का बना हुआ है। इसी मामले पर वसई अंतर्गत वसई की कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी यहां अंबेडकर चौक के यहां धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनका कुछ कहना है। इस समय यहाँ वसई के वसई विरार जिलाध्यक्ष अनिल अल्मेड़ा जी है। अल्मेड़ा जी नमस्कार। नमस्कार, मैं ओनिल अल्मेड़ा, जिला अध्यक्ष वसई विरार शहर जिला कांग्रेस। आज हमारा धरना आंदोलन है। आप सभी को मालूम है कि राहुल जी गांधी, इन्होंने अडानी का महाघोटाला जो है, इसके बारे में जब भी चर्चा करनी चाहिए संसद में, तभी संसद में चर्चा करने की परमिशन उनको दी नहीं। उसके ऊपर JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग, सब अपोजिशन पार्टी और कांग्रेस की मांग है, वो मांग पूरी की नहीं, और उससे ये जो महाघोटाला है इसमें BJP और सब उनके नेता शामिल है, वो उसके ऊपर से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए राहुल जी गांधी का 2019 में इलेक्शन में प्रचार करते समय जो उन्होंने वक्तव्य किया था, जो ललित मोदी, नीरव मोदी, इन्होंने हजारों करोड़ रुपया लोगों का जो देश के बाहर लेके गए है, खाया है, उसके बारे में वक्तव्य करते समय जो वक्तव्य किया था, उसमें उनको 2 साल की सजा होके एकदम क्विक लाइटनिंग स्पीड में उनकी खासदारी रद्द की है, संसदीय उनका जो मेंबरशिप था वो रद्द किया है। इसके निषेध में आज जो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है उसका अगेंस्ट ये उनका जो कार्रवाई है, BJP का बोलो, केंद्रीय सरकार का जो कार्रवाई है उसका निषेध करने के लिए आज वसई विरार की तरफ से धरना आंदोलन हमने किया हुआ है। क्या लगता है, सीधे सीधे ये पक्ष की आवाज़ को बंद करने का एक प्रोपेगेंडा चालू है? राहुल जी गांधी, आप सभी को मालूम है, 2014 से बात कर रहे हैं, जो झूठे आश्वासन दे के BJP सरकार सत्ता में आई है। उन्होंने महंगाई कम करने के बारे में बोला था, रोजगार देने के बारे में बोला था, मगर कोई भी वादा पूरा किया नहीं, और घोटाले के ऊपर घोटाले कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि अडानी महाघोटाला जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट एक महीना पहले जब भी आया बाहर, जो 3 साल से उनकी इंक्वायरी चल रही थी, 2014 में राहुल जी ने बोला था कि इनका ये जो केंद्रीय सरकार है, BJP सरकार है, ये सिर्फ अडानी अंबानी के लिए चल रहा है, और अडानी की पोल खोल हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने की है, उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए जो SEBI का कमेटी नेम है अपॉइंट किया है, मगर उससे पूरा पोल खोल नहीं हो सकता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग जो की है उसको किधर तो साइड करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए राहुल जी के ऊपर ही कार्रवाई की है, मगर इससे राहुल जी का फायदा ही होगा, कांग्रेस का फायदा ही होगा, सब अपोजिशन राहुल जी के साथ है इसमें। क्या आपका यह धरना प्रदर्शन जो है वो ये तय कर पाएगा कि इस मामले में सरकार पीछे हटे? नहीं, हमारा जन जागृति करने का सब प्रयास है, सब लोगों तक पहुंचने का प्रयास है। राहुल जी गांधी, आप सभी को मालूम है, SBI का और LIC का करीबन 32,000 करोड़ और 20,000 करोड़ लोगों का पैसा अडानी के पास दिया है, विदाउट परमिशन, सब नियम बाजू में रख के दिया है, उसकी सुरक्षितता करने के लिए JPC की मांग कर रहे हैं, और जनजागृति करने के बाद ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि राहुल जी गांधी उनके लिए लड़ रहे हैं, और ये जनजागृति करने का एक आज का हमारा प्रयास है। समीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी हमारे वसई विरार जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओनिल अल्मेड़ा जी ने जो कहा वही बात है कि पंतप्रधान मोदी जी डर गए हैं, राहुल गांधी जी को डर गए हैं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी मोदी जी की और BJP की पोल खोल कर रहे हैं, और वो जनता के सामने आ गई है कि
जो राहुल जी बोल रहे हैं वो पूरा दुनिया मान रही है, लेकिन ये झूठे लोग हैं, इनको इनकी झूठ जो बाहर राहुल जी निकाल रहे हैं और कैसे भी करके राहुल जी की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताता हूँ, सिर्फ ये खासदार की सांसद रद्द हो गया इसके लिए कोई चुप बैठने वाला है नहीं, अभी उनसे ज़्यादा तेज़ी से हम लोग मोदी जी और उनकी बीजेपी सरकार को गिराने के लिए काम करेंगे। आप लोग, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है, मोदी और अडानी अंबानी वो लोग जो कर रहे हैं वो उसको साथ देने के लिए खोटा झूठा इल्ज़ाम लगाया है राहुल गांधी के लिए, इसीलिए हम धरने आंदोलन पर बैठा है। राहुल गांधी जी को साथ देने के लिए हम इधर बैठे हैं और हम राहुल गांधी के साथ है। तो हमने अलग अलग नेताओं से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, जब जब मोदी जाता है पीढ़ी को आगे करता है, जब जब मोदी जाता है पीढ़ी को आगे करता है, जब जब मोदी जाता है पीढ़ी को आगे करता है। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो यहाँ आप सुन सकते हैं ये नारे लग रहे हैं कि जब जब मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, जुमला सरकार। तो आप सुन सकते हैं यहाँ नारेबाजी हो रही है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, यानी कहीं ना कहीं अभी इस समय कांग्रेस हमलावर हो चुकी है सरकार के खिलाफ। एक तरफ ये कहा जाता है कि जुडिशरी की आड़ में जो कुछ देश में चल रहा है, जुडिशरी का सम्मान करना ही चाहिए, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी लोग, विपक्ष जो है कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये तो भविष्य की गर्त में है, देखा जाएगा कि आगे इस मामले में किस तरह से सरकार विपक्ष को झेल पाती है। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786